छत्तीसगढ़ के सबले लंबा पुल सूरजगढ़ नदी गांव पुल के दोनों छोर के एप्रोच रोड के हालत बहुत ही जर्जर और गड्ढा ही गड्ढा के कारण रायगढ़ जिला के बरमकेला सरिया और उड़ीसा आए जाए बर अड़बड़ दिक्कत के सामना करना पड़त रहीस। जिला सुधार करे के मांग लंबा समय ले उठत रहीस, जेकर आज भूमि पूजन के साथ इंतजार खत्म हो से। ये पुल के दोनों छोर के लगभग 3.5 किलोमीटर के सुधार बर 6 करोड़ ले ज़्यादा के मंजूरी मिले हे, जेकर आज छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के द्वारा भूमि पूजन करे गई। ये बेला में जिला पंचायत सदस्य कैलाश नायक, छत्तीसगढ़ किसान परिषद के नव नियुक्त सदस्य शरद यादव समेत जनपद जिला और नगर पंचायत के पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता और विभागीय अधिकारी मन भारी संख्या में उपस्थित रहे। सूरजगढ़ का जो पुल का एप्रोच रोड है बहुत दिन से खराब था, या ये कहना चाहिए जब से ये बना है तब से ही इसकी क्वालिटी खराब थी, और ये बहुत पहले इसकी सुविधा के लिए चला गया था लेकिन कोरोना काल की वजह से विलंब हुआ। लेकिन अब जब हुआ है स्वीकृति तो एक बड़ी राशि यहाँ की स्वीकृत हुई है, 2.4 किलोमीटर के लिए लगभग 6.30 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। मैं समझता हूँ कि 1 किलोमीटर में लगभग 2.5 करोड़ का काम होगा, ये सड़क बहुत मजबूत बनेगा और इतना इसमें अच्छी क्वालिटी बनेगी कि ये सालों साल चलेगा ये रोड। और इस आज मैं जो भूमि पूजन किया हूँ स्थल पर ये लोगों की मांग थी कि ये रोड जल्द बने, और आज अब ये रोड मेरे बेस्ट समझ से अक्टूबर नवंबर तक ये रोड पूरा हो जाएगा। इसमें हमारे पूरे चौड़ाई में हम जेसीबी लेंगे, उसके बाद WM मतलब गिट्टी का लिया जाएगा, उसके बाद 7 मीटर विड्थ में 70 mm का DBM बोलते हैं मोटी मतलब तामर की परत, उसके बाद उससे फिर 40 mm यानी 1.5 इंची एक बार और उसका फिनिश लेयर चलेगा। इस तरह से काम हमारे 6 महीने में पूर्ण हो जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। अभी हम उसके जो किनारे किनारे में जो क्रैश बेजर लगा हुआ है उसको हम हटाएंगे, उसको नहीं हटाने से क्या है कि हम पूरे चौड़ाई को कंप्रेशन नहीं कर पाए। बेरा है छोटे से ब्रेक लिए के, आप मन देखा तरह न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।